स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, चैप्टर नंबर 12, बस के नीचे बाघ। उससे पहले एक हम बाघ के बच्चे की स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है? उससे पहले पॉइंट स्टार्ट करते हैं। रास्ता पक्का हो या कच्चा, रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाघ पूंछ के और मूंछ के लहराता है बाघ का बच्चा। बाल पूंछ के और मूंछ के लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं उड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता, पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है दूर घूम घूम कर और दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली, चलता जाता गुर्राता है बाघ का बच्चा। बाघ का बच्चा तो बहुत बहादुर होता है। आप बहादुर हो, स्ट्रोंग हो, है ना? तो आपको भी क्या करना है, किसी भी चीज से नहीं घबराना और स्ट्रोंग बनना है, ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 को मैं बाघ के बच्चे की कहानी है, मैं आपको ओरल सुनाऊंगी, फिर आपको चैप्टर रीड करना है, ओके? स्टूडेंट्स, किसी जंगल में एक छोटा बाघ का बच्चा खेल रहा था। अब जंगल में बाघ का बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते वह कहाँ आ गया? सड़क के किनारे। जंगल में बाघ का बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर आ निकल गया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। अब बस खड़ी थी, बाघ के बच्चे ने क्या करा, बस का दरवाजा खोला और अपने पंजे सीढ़ी पर, जो बस पे चढ़ने वाली सीढ़ी होती है, उस पर रखे और बस के अंदर झांका तो जो सामने फ्रंट का शीशा होता है ना, जिससे आर पार दिखाई देता है, बाघ के बच्चे की नजर सबसे पहले वहां पड़ी। बाघ के बच्चे ने सोचा, ये अजीब सी दीवार है जिससे आर पार दिखाई दे रहा है। फिर बाघ के बच्चे की नजर सीट पर पड़ी, आगे की सीट पर। वहां पर दो लड़कियां, दाहिनी तरफ देखा तो दो लड़कियां क्या कर रही थी, सीट पर बैठी हुई थी, छोटी लड़कियां बैठी थी। अचानक बाघ के बच्चे को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं। जैसे बाघ के बच्चे ने सीढ़ी पे पैर रखा, इधर उधर देखा, तो उसे लगा कि लोग इससे डर रहे हैं, तो उसे भागना चाहते हैं डर के, कि लोग अब शेर को देखोगे या बाघ को देखोगे तो डर तो लगता है ना, तो ऐसे लोग भी डर रहे थे। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपने दाहिने वाले दरवाजे, जो ड्राइवर की सीट होती है, ड्राइवर की सीट के लेफ्ट साइड पे दरवाजा होता है ना, वो दरवाजा खोल के वो तो नीचे कूद गया, बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग थे जो, वो पीछे के दरवाजे से भाग गए। अब लोग को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबरा गया। घबरा कर वो क्या, कहाँ छुप गया, बस के नीचे वाले आगे पैर, जो आगे पहिए होते हैं ना बस के आगे पहिए, उसके नीचे छिप गया। अब उसके नीचे छिप गया, नीचे पहुंचकर वह बस के आगे के पहिए के पास जाकर दुबक गया। लेकिन वहां उसे कुछ नहीं अच्छा नहीं लग रहा था। वहां देखा, खड़ा हुआ, छुपा, घबराया, डर के मारे वहां बैठ गया, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा। तो वो क्या करा, उसने बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे भीतर रखकर सामने वाली सीट, जो ड्राइवर की सीट होती है, वहां बैठ गया। वहां बैठा और उसने सामने से बस आती हुई देखी। अब सामने जो बस आ रही थी उसमें बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग देखकर उसने पीछे की तरफ घूमा तो उसने देखा सामने की बस में तो इतने सारे लोग हैं, लेकिन मेरी बस तो खाली है। इतना हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो क्या हुआ था, अब उसे क्या पता क्यों भाग गए थे, आपको पता है ना क्यों भाग गए थे, डर के कारण। तो बच्चों, आपको क्या करना है, डरना नहीं है किसी भी चीज से, घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है, ओके? टेक केयर, बाय बाय।